देवियों सज्जनों नमस्कार, मैं जीएस एस्टोवासो का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे कि हम लोग अपने जन्म कुंडली में किस प्रकार देखते हैं कि प्रेम संबंध बनता है और ये प्रेम संबंध कब विवाह में परिणत होता है, इसकी चर्चा आज हम लोग कुंडली लगा के देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि न भूलें। जय माता दी। दोस्तों मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हमने जन्म कुंडली लगाई हुई है, आप देख रहे हैं लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिग्न लग्न की कुंडली है, लियो एस्टेंडेंट है। यदि हम लोग इनको सप्तम को देखते हैं तो ये शनि की राशि बता रही है। आप यदि नवम भाव को देखिए तो ये मंगल की राशि बता रही है। साथ में यदि आप पंचम भाव को देखिएगा तो ये हमारे गुरु की राशि बता रही है। तो प्रेम योग या प्रेम विवाह योग जो हम लोग देखते हैं, लग्न पंचम सप्तम नवम, यही चार घर हम लोग देखते हैं प्रेम के लिए, प्रेम विवाह के लिए। तो क्या गुरु और शनि में संबंध बन रहा है? कदापि नहीं बन रहा है। किसी भी एंगल से देखते हैं कि शनि जो बैठे हुए हैं वो आपको देखिए छठे घर में बैठे हुए हैं, गुरु जो लग्न में बैठे हुए हैं, ना तो ये देख रहे हैं ना संबंध बना रहे किसी प्रकार से। तो आखिर इस कुंडली में ऐसा क्या योग है जो ये प्रेम का योग बता रहा है या प्रेम विवाह होने का योग बता रहा है? तो हम लोग शुक्र को देखते हैं। शुक्र देखिए तीसरे घर में है, अपने ही राशि में बैठे हुए, तुला राशि में है। आप लोग मंगल को देखिए, मंगल भी अब चौथे घर में बैठे हुए और अपने ही राशि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में देखिए राहु बैठा हुआ है, और राहु अपनी दृष्टि से पश्चिमी दृष्टि और नौवीं दृष्टि से वो नवम भाव को और लग्न को देख रहा है, तब यहां प्रेम का जो संबंध है बन रहा है। लेकिन परंतु ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों से संबंध बनाते हैं तो क्या ये विवाह में परिणत होगा प्रेम? तो हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में देखिए चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा हमारे मन के मालिक है, वो विवाह कराने में बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं। वो बार बार सोचेंगे कि विवाह करूं या ना करूं, इसी पेशोपेश में समय अपना खराब करेंगे। इसी प्रकार हम लोग कुंडली में देखते हैं कि प्रेम का संबंध कब बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, और साथ में क्या वो विवाह में परिणत होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। उसी प्रकार एक दूसरी कुंडली मैंने लगाया, ये भी देखिए सिंह लग्न की ही कुंडली है। यहाँ जो लग्नेश हो गए सूर्य हो गए, सप्तमेश आपको शनि हो गए, नवमेश मंगल है और आपको पंचमेश गुरु है। देखिएगा पंचमेश पंचमे भाव में ही बैठे हुए हैं, यही एक सात्विक विवाह का कारण भी है। आपको साथ में देखिए कि जो मंगल है वो पंचम घर में बैठे हुए गुरु के साथ बैठे हुए, नवमेश भी बैठे हुए गुरु के साथ पंचमेश के साथ, तो प्रेम विवाह होना ही होना है। यदि आप शुक्र की स्थिति को देखते हैं तो शुक्र देखिए चौथे घर में बैठे हुए हैं, चौथा घर हमारे मन का घर होता है, मन का कारक होता है, तो शुक्र भी उस व्यक्ति को अपने मन से प्रेम के संबंध में या प्रेम विवाह के संबंध में आकर्षित करेगा, उसे बार बार विचार करेगा कि नहीं हमें प्रेम करना चाहिए, हमें प्रेम विवाह करना चाहिए। और सबसे अच्छा योग आप देखिए यहाँ पर बन रहा है आपको। आप देखिए सप्तमेश कौन है? शनि है। शनि कहाँ बैठे हुए? तीसरे घर में बैठे हुए हैं, और तीसरे घर में बैठ के वो अपनी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? पंचमे घर में डाल रहे हैं। आपको पंचम घर में कौन है? गुरु है। आपको साथ में मंगल भी है, दोनों को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार ये जो योग होता है प्रेम योग में परिणित होता है। इसी प्रकार हम लोग अपनी कुंडली में लग्न को देखना चाहिए, हम लोग को पंचमेश को देखना चाहिए, हम लोग को सप्तमेश को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, फिर नवम भाव को देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रेम का घर हो गया आपको पंचम भाव, और पंचम का पंचम नवम भाव हो गया।
वो भाव को देखना है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उस भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ, वो किस प्रकार संबंध बना रहा है लग्न से, सप्तम भाव से संबंध बना रहा है। यदि लग्न और सप्तम भाव संबंध बनाता है पंचम भाव नवम भाव, तो ये प्रेम प्रेम विवाह में कन्वर्ट होता है आपको। तो हमें आशा दोस्तों की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर अवश्य करें, कि जो आपके सर्किल में जितने लोग हैं उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और इस चीज का वो लाभ ले सके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम यही वीडियो खत्म करते हैं। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।